नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। केंद्रीय टीम ने बिहार की बाढ़ को माना गंभीर। बिहार दौरे पर पहुंची 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने बिहार की बाढ़ को गंभीर माना है, जिसके तहत बिहार आई केंद्रीय टीम के समक्ष राज्य आपदा विभाग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक क्षेत्र में हुए नुकसान और उसके निराकरण में राज्य सरकार द्वारा की गई और साथ ही की जा रही तैयारियों की पूरी रिपोर्ट सौंपी है। केंद्रीय संयुक्त सचिव पीयूष गोयल और केंद्रीय अधिकारियों के साथ राज्य के ग्रामीण कार्य, कृषि, जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी वर्चुअल बैठक में शामिल किया गया था, जिसमें क्षति की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय टीम ने खुद भी सर्वे किया था। पीयूष गोयल ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर से दरभंगा जिले का एरियल सर्वे किया था। वहीं बाकी दो टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और कई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां के हालात का जायजा लेने भी पहुंची थी। बाढ़ की वजह से राज्य को 3,329 करोड़ के नुकसान की पुष्टि भी की गई है। यूपीए के संयोजक यशवंत सिन्हा ने 243 सीटों पर स्पष्ट छवि वाले उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। पूर्व वित्त मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक यशवंत सिन्हा ने स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्होंने आगामी चुनाव से पहले अपने सहयोगियों को सभी 243 सीटों पर उतारने का फैसला सुनाया है, जिसके लिए जल्द ही सीट तय हो जाएंगी। निवेदन सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पार्टी वैसे लोगों को ही उम्मीदवार बनाएगी जिनकी छवि साफ सुथरी होगी। पार्टी वैसे लोगों पर ध्यान देगी जो भ्रष्टाचार को रोकने और स्वास्थ्य व्यवहार बनाने के लिए और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री ने बताया है कि बिहार सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं, मगर अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से लगभग 26 लाख लोगों को जोड़ने का किया गया दावा। जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने जदयू के वर्चुअल रैली से लाखों लोगों के सम्मिलित होने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने 7 सितंबर को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली जनसभाओं के सारे कीर्तिमान को ध्वस्त करने की बात भी कही है। उन्होंने शुक्रवार को जदयू मीडिया सेल की बैठक को संबोधित भी किया है। बैठक में 3 सूत्रों में करवाई गई थी। उन्होंने बताया है कि मीडिया सेल के 1500 से अधिक कार्यकर्ता हर जगह इस रैली से अधिक लोगों को जोड़ने में जुट गए हैं। पार्टी के डेटाबेस से अब तक 26,25,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को रैली को लिंक भेजने का काम शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इसमें लोगों को इस पर रैली से जुड़ी सारी जानकारी भेजी जा सकती है। फेसबुक और ट्विटर पर भी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने वालों पर नजर रखेगी मजिस्ट्रेट। रिम्स के कैली बंगला में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना अब सभी विधायकों के लिए आसान नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को मुलाकात करने की इजाजत दी जाएगी जिसमें जिला प्रशासन से अनुमति मिली होगी। लालू प्रसाद से मिलने वालों में अब झारखंड सरकार सक्रिय नजर आ रही है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने बंगले के पास शुक्रवार को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं, जो 24 घंटे वहां मौजूद रहेंगे। 3 मजिस्ट्रेट 3 शिफ्टों में काम करेंगे। मजिस्ट्रेट मुलाकात करने वालों का ब्यौरा भी ध्यान में रखेंगे और जिसके पास इजाजत नहीं होगी उसे मुलाकात करने के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके साथ ही महानिरीक्षक ने राज्य के उपयुक्त से मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करने के लिए पत्र जारी किए हैं, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी का जन्म आज ही के दिन 1976 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। उन्होंने अभिनय के लिए शिक्षा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ली थी। वहीं उन्होंने कई फिल्मों में काम करके अपने साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। पंकज त्रिपाठी के फिल्म करियर की शुरुआत साल 2004 में रन फिल्म से हुई थी, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में देखा गया है, जिसमें कि ओमकारा, धर्म, मिथ्या, शौर्य, चिंटू जी, रावण, आक्रोश, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सिंघम, रिटर्न्स, मसान, दिलवाले, न्यूटन, गुड़गांव, बरेली की बर्फी, लुका छिपी, ड्राइव, सुपर 30 समेत कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। वहीं उन्होंने हाल ही में गुंजन सक्सेना फिल्म में भी काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई सुर्खियां भी बटोरी है। हालांकि उनके काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं होने का किया दावा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीट बंटवारे को लेकर उत्पन्न हो रही परेशानी लगातार सामने आ रही है। हालांकि इन सबके उलट बिहार कांग्रेस प्रभारी ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इन सभी अटकलों को दरकिनार किया है और साथ ही उन्होंने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे शक्ति सिंह गोहिल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अब बात करने में बहुत सारे साधन है, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं होती है। वहीं लोजपा के बारे में उन्होंने कहा कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, चिराग पासवान हमारे संपर्क में फिलहाल नहीं है। इसके साथ ही सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार महागठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। मांझी के एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मन बना चुके हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से समय पर आगामी विधानसभा चुनाव करवाने का किया ऐलान। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत एक बार फिर से चुनाव आयोग ने जारी सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि चुनाव की घोषणा समय पर ही की जाएगी और चुनावी प्रक्रिया 29 नवंबर
से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव समय पर ही करवाया जाएगा। खास बात यह है कि बिहार की 243 सीटों के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन भी करवाया जाएगा। इसके अलावा देश की 64 विधानसभा सीटों पर भी और उपचुनाव का आयोजन करवाया जाना है। आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराने का फैसला अर्धसैनिक बल और विधि व्यवस्था को बहाल करने वाले अन्य एजेंसियों के मूवमेंट को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। शिक्षा दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 शिक्षकों को किया पुरस्कृत। शिक्षा दिवस के मौके पर आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने विशेष प्रयास के लिए 47 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं। इनमें से दो शिक्षकों को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जिसमें संत कुमार सहनी शामिल है, जिन्होंने एक समय में सुनसान पड़े स्कूल को बिहार में सर्वश्रेष्ठ बनाया था। वहीं गुजरात की सुधा जोशी के दृष्टिहीन छात्रों को मुख्य धारा के शिक्षा में वापस लाने के लिए भी सम्मानित किया गया है। वहीं आज शिक्षक दिवस के मौके पर चयनित 20 शिक्षकों को बिहार में भी उनके जिले में सम्मानित किया गया है। इस दौरान पटना स्थित संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के उपस्थिति में वर्चुअल तरीके से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को चुनाव प्रबंधन और रविशंकर को प्रचार की सौंपी गई जिम्मेदारी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने बिहार चुनाव के मद्देनजर नई टीम की घोषणा कर दी है। कई कमेटियों का गठन भी किया है। चुनाव प्रबंधन समिति की कमान संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को नियुक्त कर दिया गया है, जबकि सह संयोजक प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार को बनाया गया है। कमेटी में पार्टी के सारे सांसद, राज्य सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री और कोर कमेटी के सदस्य को भी शामिल किया गया है। इसी तरह चुनाव प्रबंधन समिति की कमान स्वास्थ्य मंत्री पांडे को सौंपी गई है, जिसमें आवास, परिवहन, हेलीकॉप्टर, मीडिया, सोशल मीडिया समेत कई उप कमेटी बनाई गई है। प्रचार समिति की कमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के जिम्मेदारी में होगी, जिसके बाद कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अहम बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉनिटरिंग समिति की बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने सभी थानों में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित दर्ज मामलों की थानावार समीक्षा डीजीपी को करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अनुसंधान कार्यों में तेजी से पूरा करने की बात भी कही है। जो पदाधिकारी मामले के निष्पादन में गंभीरता नहीं दिखाते हैं, उन पर सख्ती दिखाने की बात भी कही गई है। वहीं दूसरी तरफ सभी थानों में विधि व्यवस्था और अनुसंधान के लिए अलग अलग बैंक भी बनाए गए हैं, ताकि विधि व्यवस्था काफी बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके और अनुसंधान कार्य भी समय पर पूरा हो सके। सीएसके उत्तरी मैदान में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कई सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक बार फिर से टीम तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी अभ्यास शिविर अपना शुरू कर चुके हैं। अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि आईपीएल के 13वें संस्करण में ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ही खेली जाएगी, जो कि 19 सितंबर को आयोजित होने वाली है। हालांकि पिछले हफ्ते टीम में मिले 13 कोविड-19 मामलों की वजह से टीम अपनी तैयारी शुरू नहीं कर पाई थी, मगर टीम अब मैदान में उतर चुकी है। वहीं सीएसके के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर टीम के नेट प्रैक्टिस का वीडियो भी शेयर कर दिया गया है। हालांकि टीम के दो खिलाड़ी भी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, मगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में रेल परियोजना के शुरू होने का किया दावा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आने वाले समय में बिहारियों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार में 2500 करोड़ की रेल परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही राज्य में मत्स्य पालन से जुड़ी 1600 करोड़ की योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानी और मत्स्य पशुपालन की दिशा में शाश्वत प्रयास की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री ने तैयार की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 18 सितंबर के बीच बिहार में सड़क और पुल सेक्टर की 8 मेगा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं सभी परियोजनाओं के समेकित लागत करीब 15 से 18 हजार करोड़ रुपए बताई गई है, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती के दिए संकेत। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों के लिए जीएसटी की दरों में कटौती की संभावना जताई है, जिसके तहत उन्होंने मोटर वाहन उद्योग को जल्द ही कुछ अच्छी खबर देने की उम्मीद जाहिर की है। भारी उद्योग मंत्री ने कहा है कि वाहन को कबाड़ करने की नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर अपनी राय भी साझा कर दी है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इस नीति की घोषणा संभव है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती की संभावना के बारे में जानकारी साझा की जाएगी और बताया है कि वित्त मंत्रालय प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जानकारी साझा नहीं की है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या पहुंची 40 लाख के पार। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में रिकॉर्ड तोड़ 86,432 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 40,23,179 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में
1089 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 8,63,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं दूसरा सबसे प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पर प्रभावितों की संख्या 4,76,000 के पार है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लगातार स्थिति को नियंत्रण करने में लगा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने कौन से शिक्षक को सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।